उसमें डालेंगे एक्वियस के वच तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा बाय एंटी मार्कोनिक ऑप्शन. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो इन दिस वे वी कैन हैव दिस रिएक्शंस. अब ये चार रिएक्शंस कल हमने अल्किन के साथ पढ़ी है. अल्किन के साथ 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 हमें कहाँ से मिल सकता है? अल्किल हैलाइड. अल्किल हैलाइड के भी कितने रिएजन आपको लर्न रखने हैं? तीन. पहला फर्स्ट एक्वियस के ओ एच, दूसरा एक्वियस एन ओ एच, तीसरा वॉइस्ड ए जी टू ओ, वॉइस्ड ए जी टू ओ, वॉइस सिल्वर ऑक्साइड. कितने रिएजन हो गए? तीन. ये भी क्या करेंगे? किसको निकालेंगे? हेलोजन को निकालेंगे और किसको लगाएंगे? OH को लगाएंगे. तो ये हेलोजन को निकालेंगे और OH को लगाएंगे. ठीक है, तो ये हो गया अल्किन की रिएक्शन. किसकी रिएक्शन हो गई ये? अल्किन की रिएक्शन. और ये हो गई किसकी रिएक्शन? अल्किल हैलाइड की रिएक्शन. तो ये हो गई कितनी हो गई थी? ये चार. और ये कितनी हो गई थी? तीन. सारे इसमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा? आर ओ एच. मार्कोनिक का प्रोडक्ट कैसे मिलेगा? एंटी मार्कोनिक का प्रोडक्ट कैसे मिलेगा? हमने बस यही तो हो गया था अल्डिहाइड. हाँ, और नेक्स्ट वाला थर्ड रिएजेंट है फोर अल्डिहाइड. अल्डिहाइड का फॉर्मूला रहता है आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच. इसमें अगर हम रिएक्शन करते समय कितने नासेंट हाइड्रोजन ऐड करेंगे? दो. इन द प्रेजेंस ऑफ एन ए एच जी एच टू. इन द प्रेजेंस ऑफ एन ए एच जी एच टू. ठीक है, सेकेंड रिएक्शन में हम क्या करेंगे? AlH4 in the presence of H3O positive. इसकी स्पेशलिटी क्या है? इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड से क्या बनाता है? अनसैचुरेटेड अल्कोहल. क्या बनाता है? अनसैचुरेटेड अल्कोहल. ठीक है, ये पहली रिएक्शन थी, ये दूसरी रिएक्शन थी. और तीसरी का नाम है कौन सी गैस? H2 गैस. इन द प्रेजेंस ऑफ रैनी निकेल एट 413 केल्विन. तो ये क्या करता है? अनसैचुरेटेड से क्या बनाता है? सैचुरेटेड अल्कोहल. अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड अल्कोहल. ठीक है, ये तीन रिएजेंट कल हमने देखे थे. हाँ, और एक इंपॉर्टेंट रिएजेंट है. क्या नाम है इसका? डायबाल एच. क्या नाम है? डायबाल एच. इन द प्रेजेंस ऑफ H3O पॉजिटिव. ये भी क्या करेगा? अनसैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड बनाएगा. कितने हो गए? चार. और इस सारी मेथड में जो अल्कोहल मिलेगा वो कौन सा अल्कोहल मिलेगा? प्राइमरी अल्कोहल. तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आपको प्राइमरी अल्कोहल बनाना है, अगर आपको प्राइमरी अल्कोहल बनाना है तो आपको किसको लेना है? अल्डिहाइड को. और अगर आपको सेकेंडरी अल्कोहल लेना है, बनाना है, तो आपको किसको लेना है? कीटोन को. ध्यान रखेंगे बच्चों, इफ यू वॉन्ट टू प्रिपेयर द अल्डिहाइड, सॉरी प्राइमरी अल्कोहल, यू हैव टू टेक द अल्डिहाइड. बट इफ यू वॉन्ट टू प्रिपेयर द विच अल्कोहल? सेकेंडरी अल्कोहल, यू हैव टू टेक द कीटोन. तो अल्डिहाइड की चार और कीटोन की भी कितनी हो जाएंगी? चार. सारी रिएक्शन कैसी होंगी? एग्जैक्टली सेम. सारी रिएक्शन कैसी होंगी? एग्जैक्टली सेम. सिर्फ फर्क इतना है कि यहां पर हम क्या करेंगे, अगर हम यहां पे कीटोन लेते हैं, अगर हम यहां पे क्या ले लेते हैं? कीटोन. कीटोन मतलब क्या है? R C डबल बॉन्ड O R. अगर हम यहां पे कीटोन लेते हैं तो कीटोन की जब रिएक्शन होती है तो यहां पे जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है कौन सा अल्कोहल? सेकेंडरी अल्कोहल. ध्यान रखेंगे बच्चों, जो प्रोडक्ट मिलता है कौन सा अल्कोहल मिलता है? सेकेंडरी अल्कोहल. कीटोन से क्या मिलेगा? सेकेंडरी अल्कोहल. तो यह है टू नासेंट हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम अमलगमेंट वाटर, AlIHO4 इन द प्रेजेंस ऑफ H3O पॉजिटिव, H2 गैस इन द प्रेजेंस ऑफ रैनी निकेल एंड ऑल. तो दिस ऑल विल प्रोड्यूस, जैसे अनसैचुरेटेड के लिए जो है वो अनसैचुरेटेड सेकेंडरी अल्कोहल बनाएगा, और सैचुरेटेड के लिए जो है वो सैचुरेटेड सेकेंडरी अल्कोहल बनाएगा, चाहे वो रिएक्टर अनसैचुरेटेड हो. तो हम इस तरह से अभी हमने 11 रिएक्शंस पढ़ी है. अल्डिहाइड और कीटोन दोनों की रिएक्शंस कैसे रहेंगी? सेम. अभी तक हमने देखा, अभी तक हमने क्या देखा कि अगर हम अल्डिहाइड लेते हैं, अगर हम क्या लेते हैं बच्चों? अल्डिहाइड. और ये हम इनमें से कोई भी रिएजेंट अगर डालते हैं तो अनसैचुरेटेड का अनसैचुरेटेड रखने के लिए कितने रिएजेंट है? दो. कौन से? AlIHO4 एंड डायबाल एच. कौन से बच्चों? AlIHO4 एंड डायबाल एच.
ये दो रिएजेंट क्या करेंगे, अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और अनसैचुरेटेड कीटोन, ठीक है, कौन सा, ये एल्डिहाइड रहो या कीटोन रहो, तो एल्डिहाइड रहो या कीटोन रहो, कौन सा रिएजेंट फर्स्ट, उनसे अनसैचुरेटेड, कैसे अनसैचुरेटेड, एल्डिहाइड रहो या कीटोन रहो, तो कौन से दो रिएजेंट है बच्चों, LiLH4 in the presence of H3O positive or में है ये reagent और second reagent कौन है, dibal H, what is dibal H, dibal H, what is dibal H, diisobutyl aluminium hydride, diisobutyl aluminium hydride, this is dibal H, तो यहाँ पे मिलेगा कौन सा alcohol, this alcohol is a which alcohol, प्राइमरी अल्कोहल, दिस अल्कोहल इज अ प्राइमरी अल्कोहल एंड वी हैव दिस इज आर सी आर और इसको यहां लगा है ओ एच और इसको लगा है एच एंड यू कैन सी दिस अल्कोहल इज अ विच अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, सो इन दिस वे वी कैन हैव दिस टू अल्कोहल, वन इज अ प्राइमरी अल्कोहल एंड अनदर इज अ सेकेंडरी अल्कोहल, so after having this primary alcohol and secondary alcohol ab hum thoda aage chalenge, pehla hai aldehyde to you get the primary alcohol, dusra hai ketone to you get the secondary alcohol, after having this primary alcohol and secondary alcohol ab hum thoda aage chalte hain, yahan tak clear hai abhi, ha but ye kaun sa primary hai, unsaturated, kaun sa unsaturated aur ye bhi kaisa hai unsaturated, lekin iske alawa अगर हम दूसरे रिएजेंट यूज करते हैं, कौन से दूसरे दो रिएजेंट यूज करते हैं, ठीक है, अगर हम इसके अलावा दूसरे दो रिएजेंट यूज करते हैं, यहां से हम इनको निकाल के अगर हम क्या करेंगे, तो यहां पे अगर हम यूज करते हैं कौन, टॉइस नासेट हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ NaHgH2O, ये एक रिएजेंट हो गया, और में हम दूसरा रिएजेंट अगर यूज करते हैं, कौन सी गैस, H2 गैस इन द प्रेजेंस ऑफ रानी निकेल, H2 गैस इन द प्रेजेंस ऑफ रानी निकेल अगर हम यूज करते हैं, तो फर्स्ट स्टेप में आपको मिलेगा कौन सा अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, लेकिन कैसा मिलेगा, सैचुरेटेड, कैसा मिलेगा, सैचुरेटेड, दोनों के दोनों भी कैसे रहेंगे, सैचुरेटेड, चाहे एल्डिहाइड या कीटोन कैसा हो, अनसैचुरेटेड, एड्रेस में आपको रिएक्टेंट भी दिया रहता है, प्रोडक्ट भी दिया रहता है, यू हैव टू जस्ट आइडेंटिफाई कि विच वन इज अ प्रोडक्ट, यू डोंट हैव टू फाइंड आउट द प्रोडक्ट देयर, सो आवर कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर, ठीक है, सो दिस इज अबाउट द व्हाट एल्डिहाइड एंड कीटोन, तो अभी अभी तक हमने देखा, हमने क्या देखा कि अगर हमारे पास एल्डिहाइड है और अगर हम एल्डिहाइड का रिडक्शन करते हैं तो हमें कौन सा अल्कोहल मिलता है, प्राइमरी अल्कोहल, अभी तक हमने देखा कि अगर हम कीटोन लेते हैं और उसका रिडक्शन करते हैं तो हमें कौन सा अल्कोहल मिलता है, सेकेंडरी अल्कोहल, लेकिन अगर हमें एल्डिहाइड से सेकेंडरी अल्कोहल बनाना है और कीटोन से टर्शियरी अल्कोहल बनाना है तो हमें यूज करना पड़ता है ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, कौन सा रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, ध्यान में रखना, एल्डिहाइड से अगर क्या बनाना है, हाँ पहला एल्डिहाइड से अगर प्राइमरी अल्कोहल बनाना है तो ये रिएजेंट, अनसैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड बनाना है तो LiLH4 इन द प्रेजेंस ऑफ H3O पॉजिटिव और डायबाल एच, अनसैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड, लेकिन अगर अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बनाना है तो NaHgH2O नासेट हाइड्रोजन और H2 गैस इन द प्रेजेंस ऑफ रानी निकेल, ये रिएजेंट आपको यूज करने हैं और आपको कौन सा अल्कोहल मिलेगा, प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी, बट इफ यू वांट टू कन्वर्ट द एल्डिहाइड, ठीक है, पहले तो इसमें तीन रिएजेंट है, आर सी डबल बॉन्ड OH, ये है फॉर्मल डिहाइड, कौन सा एल्डिहाइड है, ये फॉर्मल डिहाइड, दिस इज द फॉर्मल डिहाइड, दूसरा है आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, दिस इज द अदर एल्डिहाइड, फॉर्मल डिहाइड और अदर एल्डिहाइड में एक डिफरेंस है कि फॉर्मल डिहाइड में दोनों हाइड्रोजन लगे रहते हैं
इसमें एक हाइड्रोजन और एक अल्किल ग्रुप रहता है, और तीसरा वाला अगर हम देखेंगे तो R C डबल बॉन्ड O R, तो ये होता है बच्चों कीटोन। क्या होता है ये? कीटोन। तो ये हो गया फॉर्मल्डिहाइड, ये हो गया अल्डिहाइड और ये हो गया कीटोन। अब तीनों में अगर हम रिएजेंट यूज करते हैं, कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं? अगर हम यहाँ पे तीनों में एक कॉमन रिएजेंट यूज करते हैं, कौन? आर एम जी एक्स, और आई कैन से आर डैश एम जी एक्स, दैट इज द विच रिएजेंट? ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। तो ध्यान रखेंगे ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट जो होता है, या आर है मतलब कार्बन है और मैग्नीशियम है, कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.5 और मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 1.2, किसकी ज्यादा होती है बच्चों? कार्बन। तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर जाएंगे? कार्बन। तो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। और मैग्नीशियम के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। एंड दिस आर डैश नेगेटिव इज इलेक्ट्रॉन रिच, एंड इलेक्ट्रॉन रिच ऑलवेज अटैक एट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। कौन सा कार्बन? कार्बोनिल कार्बन। तो ये कहां पे अटैक करेगा? कार्बोनिल कार्बन। पाई बॉन्ड ओपन ऑन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कैरी नेगेटिव चार्ज, ओ नेगेटिव कंबाइन विद Mg positive, and so you get the product here RCH। पुराने दो हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, यहाँ पे किसने अटैक किया? R dash, और यहाँ पे लगा MgX। फिर सेकंड स्टेप में यहाँ पे क्या ऐड करते हैं? वाटर। कभी कभी ABCD के लिए रिएक्शन ये पूछते हैं, ये A, फिर इसका रिएजेंट डाला, ये B, फिर इसमें वाटर डाला। वाटर डालने के बाद वाटर जब डिसोसिएट होता है क्या बनाता है? H positive, OH negative, and this O negative Mg positive, this O negative combined with H positive, Mg positive combined with OH negative, and so we get here the product। क्या product मिलेगा? RCH। ये O negative किसके साथ combine होगा? H positive combined to form OH, बराबर plus ये R dash जैसा के वैसा, plus यहाँ पे क्या बनेगा? Mg, इसको H तो लगा था, इधर से कौन लग जाएगा? OH, and in this way you get this product। That is the which alcohol? Primary alcohol। अब इसी को हम एक स्टेप में कैसे लिख सकते हैं? देखो पहली स्टेप में हम ऐड करेंगे R dash MgX, और सेकंड स्टेप में हम ऐड करेंगे वाटर। ठीक है, अब क्या होगा? ये टूटेगा R dash नेगेटिव Mg पॉजिटिव, ये टूटेगा H पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो Mg पॉजिटिव कंबाइन विद OH नेगेटिव कंबाइन टू फॉर्म द बाय प्रोडक्ट MgxOH। क्या बाय प्रोडक्ट बनाया इससे? MgxOH। ठीक है, MgX और OH, और ये R नेगेटिव बताए और H पॉजिटिव। R नेगेटिव इसके ऊपर क्या करेगा? अटैक। जैसा भी R नेगेटिव इसके ऊपर अटैक करेगा क्या होगा? RCH। इधर से किसने अटैक किया? R डैश नेगेटिव ने, और ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव, उसके साथ कौन कंबाइन हुआ? H। तो नाउ यू कैन सी दिस इज द विच अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल। तो इन दिस वे व्हेन वी मेक द रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड इट फॉर्म्स द विच अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल विद विच रिएजेंट? ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। बट इफ यू मेक द रिएक्शन ऑफ कीटोन विद विच रिएजेंट? ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, देन इट फॉर्म्स द विच अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल। सीधा सीधा एक ही बात ध्यान में रखना, इसके क्या को डालना? पाए, काय पाए, ध्यान में रखना। बस मोर, इसके क्या को डालना? पाए, और पाए तोड़ने के बाद ये R डैश नेगेटिव इसको लगाना, और वो नेगेटिव को क्या लगाना? Mg, और इसीलिए हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा बताइए? R C, ये R, ये O, इधर क्या लगाना? R डैश, और इधर क्या लगा देना? H, और बाय प्रोडक्ट तो यहाँ पे है कौन? MgxOH। क्लियर है? तो दिस इज अबाउट द विच रिएजेंट? ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। कौन सा रिएजेंट? ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। सो व्हाट डू मीन बाय दिस ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, एंड हाउ वी कैन कन्वर्ट द फॉर्मल्डिहाइड इनटू प्राइमरी अल्कोहल, अदर एल्डिहाइड इनटू सेकेंडरी अल्कोहल, एंड कीटोन इनटू टर्शियरी अल्कोहल। क्लियर है साहब? तो इस तरह हमारी ये रिएक्शंस है, जिसमें पहली रिएक्शंस में हमने एल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल मिलाया, कीटोन से सेकेंडरी अल्कोहल। लेकिन अगर एल्डिहाइड से सेकेंडरी अल्कोहल चाहते हो तो कौन सा रिएजेंट डालना पड़ेगा? ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। अगर कीटोन से टर्शियरी अल्कोहल चाहते हो
तो भी कौन सा रिएजेंट डालना पड़ेगा? ग्रिगार्ड्स रिएजेंट। तो इन दिस वे वी कैन कन्वर्ट दिस बॉन्ड इनटू प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। सेकेंडली वी कैन कन्वर्ट दिस बॉन्ड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इस्टर्स ऑल आर इन अ विच अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल। तो हैव यू रिटन दिस? चलो आगे। तो ये कितनी रिएक्शन हो गई एडिशनल? तीन। तो ठीक है, देखो हमारी रिएक्शंस कितनी हो गई। पहली वाली रिएक्शंस अल्किन की कितनी हो गई? चार। अल्किल हैलाइड की तीन, कितनी हो गई? सात। फिर एल्डिहाइड और कीटोन दोनों की अगर हम पकड़ेंगे तो कितनी हो गई? चार। चार और चार आठ, आठ और तीन ग्यारह, ग्यारह और ये वाली अगर हम देखेंगे अभी तो ये कितनी हो गई? तीन। ठीक है, ग्यारह और तीन कितने हो गए? चौदह। ठीक है, ग्यारह और तीन कितने हो गए? चौदह। बराबर, अभी अभी ग्यारह और तीन कितने हो गए? चौदह। बराबर, अभी ये 14 रिएक्शंस हो गई। कितनी रिएक्शंस हो गई? 14। बराबर, अभी और चार रिएक्शंस पढ़ेंगे और 18 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हमारी ओरली होनी चाहिए, एकदम ओरली, ऐसे बिना देखे आते पट 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 पांच दस मिनट में 18 रिएक्शन लिखते आनी चाहिए। ठीक है, ये लेवल पे आप जाएंगे तो आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी। कैसी इजी हो जाएगी? बहुत ज्यादा। क्लियर है? चलो आगे। अभी नेक्स्ट है कौन सा एसिड? कार्बोक्सिलिक एसिड। वी ऑल नो वेरी वेल अबाउट द कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या फॉर्मूला है कार्बोक्सिलिक एसिड का? RC डबल बॉन्ड OOH। ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और इस कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर हम रिएजेंट डालते हैं LiAlH4, LiAlH4 इन द प्रेजेंस ऑफ H3O पॉजिटिव। यू ऑल नो वेरी वेल अबाउट दिस LiAlH4। व्हाट डोनर? हाइड्राइड डोनर। हाइड्राइड इज इलेक्ट्रॉन रिच, सो इट अटैक एट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। कौन सा कार्बन? कार्बोनिल कार्बन। एज सून एज इट अटैक ऑन कार्बोनिल कार्बन, फर्स्ट पाई बॉन्ड ओपन, इट बिकम्स अनस्टेबल, स्टेप्स व्हाट, इट शिफ्ट इट्स नेगेटिव चार्ज हियर एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस बॉन्ड गेट शिफ्टेड ऑन ऑक्सीजन एंड दिस ऑक्सीजन कैरी विद चार्ज नेगेटिव चार्ज एंड दिस H3O पॉजिटिव हैज अ टेंडेंसी टू डोनेट H पॉजिटिव, सो दिस H पॉजिटिव कंबाइन विद दिस OH नेगेटिव कंबाइन टू फॉर्म H2O एंड कीप इन योर माइंड इन अ फर्स्ट स्टेप यू गेट हियर द कंपाउंड इट्स नेम इज अ एल्डिहाइड प्लस यू आर गेटिंग दिस बाय प्रोडक्ट दैट इज H2O बट टिल देयर इज व्हाट कार्बोनिल कार्बन व्हिच इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड सो इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट LiAlH4 इन द प्रेजेंस ऑफ H3O पॉजिटिव दिस अगेन कम हियर दिस H3O दिस डोनेट H नेगेटिव एंड दिस डोनेट H पॉजिटिव दिस H नेगेटिव अटैक हियर पाई बॉन्ड ओपन ऑन ऑक्सीजन ऑक्सीजन कैरी नेगेटिव चार्ज एंड हियर इट इज H यहाँ पे O नेगेटिव किसके साथ कंबाइन होगा अभी H पॉजिटिव के साथ क्या बन जाएगा OH और यहाँ पे देखो एक एच यहां लगा और एक एच यहां लगा क्लियर है एक एच यहां लगा एक एच वहां लगा एंड यू गेट द विच अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल कौन सा अल्कोहल मिल गया प्राइमरी अल्कोहल सो यू आर गेटिंग दिस अल्कोहल इट्स नेम इज अ विच अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल नाउ दिस इज द LiAlH4 इन द प्रेजेंस ऑफ H3O पॉजिटिव सेकंड रिएजेंट वी सी हियर It is the what we can say diborane B2H6 जो है B2H6 is again a bond donor hydride donor so that B2H6 is a hydride donor so it can be also used here that B2H6 in the presence of that THF tetrahydroburane also can show this reaction and by this reaction you can also get the which alcohol primary alcohol ठीक है सो दिस इज द टू रिएक्शंस यू हैव टू कीप इन योर माइंड ओनली दिस हाइड्रोजन इज रिप्लेस बाय आर व्हेन वी रिप्लेस दिस हाइड्रोजन बाय आर देन वी गेट द कंपाउंड इट्स नेम इज अ ईस्टर क्या नाम है कंपाउंड का ईस्टर दैट इज RC डबल बॉन्ड OOR सो नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज ईस्टर एंड व्हेन वी मेक द रिएक्शन ऑफ दिस ईस्टर जब हम इस ईस्टर की रिएक्शन अलग अलग कंपाउंड्स के साथ करेंगे आफ्टर मेकिंग द रिएक्शन ऑफ दिस बॉन्ड विद ईस्टर अभी ईस्टर के साथ अगर रिएक्शन करेंगे तो यहां से भी इसको निकालना पड़ता है और इसीलिए यहाँ पे भी हम रिएजेंट यूज करते हैं
LiAlH4 in the presence of H3O positive. और दो बार इसको यूज करने पड़ते हैं. कितने बार? दो बार. फर्स्ट स्टेप में क्या बनाता है? एल्डिहाइड. और सेकंड स्टेप में इट फॉर्म्स द विच अल्कोहल? प्राइमरी अल्कोहल. तो डायरेक्टली तो देखो, हमने इसके दो बार, इसको दो बार यूज किया, तो टोटल कितने हाइड्रोजन यूज किए? चार. बराबर, चार में से पहले ये बॉन्ड को तोड़ा, इसको एक हाइड्रोजन, इसको एक हाइड्रोजन. तो प्रोडक्ट पहली स्टेप में क्या मिला? RCH और यहाँ पे OR- हो गया. फिर इसका क्या टूटा? पाई. पाई टूट के इसको एक हाइड्रोजन और इसको एक हाइड्रोजन, एंड यू गेट द विच अल्कोहल? प्राइमरी अल्कोहल. कुछ अल्कोहल? प्राइमरी अल्कोहल. क्लियर है? यू आर गेटिंग दिस प्राइमरी अल्कोहल एंड दिस इज द अनदर अल्कोहल आल्सो. ठीक है. सेम यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं, H2 गैस इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रैनी निकेल अगर भी हम इसको यूज करते हैं, और 413 केल्विन पे अगर हम इसको ट्रीट करते हैं, तो आफ्टर मेकिंग इट्स रिएक्शन यहाँ पे भी वही होता है. यू गेट अगेन द प्राइमरी अल्कोहल एंड अदर अल्कोहल. ठीक है. सो दिस इज अबाउट द इन ऑल 18 रिएक्शंस ऑफ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम डिफरेंट कंपाउंड्स वी हैव सीन. In all, how many reactions? 18 reactions. And you should be able to write this 18 reactions just within a 5 to 10 minutes. Okay? So, I want to know the MOP. Abhi ek-ek cheez aisa hisab dhyan mein rakhna hai. Kya alcohol MOP kitni? 18. Alcohol ki MOP kitni? 18. Ye learn ho jana chahiye apna. Alcohol ki MOP kitni? 18. Chalo, kya hai? Alcohol ki MOP 18 kaise dhyan mein rakhni? ठीक है. बस उसके पांच क्या ध्यान में रखना जिनसे हम उनको बनाने वाले हैं. पहला, हम उनको कैसे बनाने वाले हैं? अल्कीन हैलाइड. दूसरा, हम उनको कैसे बनाने वाले हैं? अल्कीन. ठीक है, कैसे बनाने वाले हैं? अल्कीन. ठीक है. फिर तीसरा, हम उनको कैसे बनाने वाले हैं? एल्डिहाइड. ठीक है, बाय यूजिंग द सिंपल रिएजेंट एल्डिहाइड और कीटोन. बराबर. तीसरा, हम उनको ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, चौथा हम उनको फॉर्मल्डिहाइड एल्डिहाइड और कीटोन. फॉर्मल्डिहाइड एल्डिहाइड और कीटोन, ये कितना हो गया? चौथा रिएजेंट. ठीक है. उसके बाद एक पांचवा रिएजेंट हम उनको बनाएंगे, किससे? कार्बोक्सिलिक एसिड से. और छठवा रिएजेंट हम उनको बनाएंगे इस्टर से. बस हो गया. बस ये अगर आपको ध्यान में रहा, बराबर, पहले तो ये पांच छह को आपको ध्यान में रखना है और हर एक की रिएक्शन लिखनी है. तो इसके कितनी रिएक्शन है? तीन. पहला क्या डालेंगे? एक्वियस KOH, एक्वियस NaOH, मॉइस्ट Ag2O. बंद कर दो अभी बुक. क्या है? मॉइस्ट Ag2O. क्या लिखना है? तो आप ऐसे छोटे से शॉर्टकट में उसको उतार डालो पूरी मैप को. ठीक है. अब तीनों का प्रोडक्ट क्या है? ROH. तीनों का प्रोडक्ट क्या है? ROH. कितनी हो गई है? तीन, है ना. अब अल्किन में, अल्किन में भी हमारी चार रिएक्शंस है. ठीक है, अल्किन में भी हमारी कितनी रिएक्शंस है? चार. दो बनाएंगे मार्कोनिक का प्रोडक्ट और दो बनाएंगे एंटी मार्कोनिक का प्रोडक्ट. मार्कोनिक का रूल बनाने वाले का प्रोडक्ट कैसा रहेगा? RCH2 नेगेटिव पार्ट्स गेट अटैच टू दैट कार्बन विच कैरी लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन. नीट की एग्जाम मांगती है सिंगल सोर्स मल्टीपल रिवीजन. ध्यान में रखना, नीट की एग्जाम क्या मांगती है? सिंगल सोर्स मल्टीपल रिवीजन. ठीक है, एक सोर्स बना लो, पूरा मैटर एक जगह लेके आओ और पूरा मैटर एक जगह लेके उसकी बार 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 रिवीजन करो. आप अभी तक क्या थे? डजंट्स मैटर. अभी आप लास्ट के छह महीने में, चार महीने में आप कैसे पागल होकर पढ़ाई कर रहे हो, इसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका स्कोर कैसा है. ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हमें 720 लाने हैं, 550 लाने हैं, कुछ बच्चे हैं उनको लाने हैं, लेकिन बाकी के भी बच्चों को बोल रहा हूँ कि जो नॉर्मल भी है, यार आप इसके लिए प्रिपेयर करेंगे, नीट के ही कुछ दिनों में आपकी सीईटी की एग्जाम रहेगी, उस सीईटी के एग्जाम में अगर आपका अच्छा स्कोर आया तो इंजीनियरिंग के भी आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस अच्छे मिलेंगे, या मेडिकल फील्ड में भी अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो, फार्मेसी करना चाहते हो, बहुत सारे 80% क्राउड यही करता है. 80 नहीं बोल सकता, 90% क्राउड, अपने वर्धा में रहने वाला 90% क्राउड क्या करता है? गवर्नमेंट मतलब इंजीनियरिंग करता है प्राइवेट कॉलेज में या गवर्नमेंट कॉलेज में, या बीएससी नर्सिंग करता है या फार्मेसी करता है या बीएससी को जाता है
बस 80-90% क्राउड यही तो करता है, बराबर। तो यार उसमें आपका अच्छा स्कोर आ जाएगा, ठीक है, अगर आप ये सीरियसली करेंगे तो। बस सिंगल सोर्स मल्टीपल डिविजन कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है और ऐसा बार 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 लिखते देखना है, ठीक है, बार 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 ऐसा पूरा सिलेबस 2 घंटे में लिख के हो जाना चाहिए आपका, ठीक है। हाँ, तो अल्कोहल की माप हम पढ़ रहे, कितनी माप है, 18, ठीक है। अब इसको देखो हमने कैसे किया, ये हो गया इसका प्रोडक्ट मार्कोनिक का और ये हो गया इसका प्रोडक्ट एंटी मार्कोनिक का, ठीक है। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ एंटी मार्कोनिक पंप। मार्कोनिक के लिए आपको 2 रिएजेंट यूज करने हैं, एक H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H3O पॉजिटिव और H पॉजिटिव, और दूसरा रिएजेंट है फर्स्ट स्टेप में ऐड करो HX और दूसरे स्टेप में ऐड करो aqueous KOH। तो ये और ये 2 रिएक्शंस इसकी हो गई, बराबर। अब अगर आपको एंटी मार्कोनिक से बनाना है तो आप यहाँ पे ऐड करो B2H6 इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2 एंड OH नेगेटिव, ये हो गया एक रिएक्शन, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसे नहीं बनाना है तो आप उसको फर्स्ट स्टेप में डालो, उसमें स्पेशली HBr इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2 और फिर सेकंड स्टेप में डालो aqueous KOH, तो दोनों केस में आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो वो 3 हो गई और ये कितनी हो गई, 4। अब उसके बाद एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के लिए हमारे पास 4 रिएजेंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। तो कौन से रिएजेंट एल्डिहाइड के लिए ध्यान में रखेंगे, एल्डिहाइड के लिए जितने भी रिएजेंट यूज करेंगे तो इसको भी हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, ठीक है। एल्डिहाइड के लिए जो 2 रिएजेंट हम यूज करेंगे इसको भी 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, एक में हमें क्या मिलेगा, ठीक है। और ध्यान में रखना जो भी काम आप कर रहे हो इसका फल, जो भी फल मिलेगा अच्छा या बुरा, वो सिर्फ और सिर्फ एक इंसान को मिलेगा, और वो कौन है, कौन है वो इंसान, आप खुद, ठीक है। तो ध्यान में रखो बाद में पछताने से अच्छा है कि अभी टाइम है, उस टाइम का क्या कर लो, दिमाग बढ़ाने में उसका इस्तेमाल कर लो, टाइम पास करने में अगर उसका इस्तेमाल करेंगे तो बैंड किसका बजेगा, आपका खुद का, ठीक है, बैंड खुद का ही बजेगा, ठीक है। जो भी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हो फीस तो आप वहां पे पूरी ही देंगे, लेकिन आपको उस फीस से जो भी रिफंड मिलेगा वो डिपेंड करेगा आपने कितनी पढ़ाई की है उसके ऊपर, क्लियर है। सो आप फेल हो गए इसलिए कोई पैसे नहीं छोड़ेगा आपके, ठीक है, वो पूरे पैसे लेंगे, लेकिन आप कितना पढ़ते हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा आप कौन से इंस्टीट्यूशन में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। गवर्नमेंट में जाएंगे तो फोकट में एडमिशन हो जाएंगी, और प्राइवेट में जाएंगे तो अभी 11-12 में तो बहुत कम पैसे भरे अपन ने, अभी जब प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ने को जाएंगे ना, एक साल की फीस उनकी 50,000, 60,000, 1,00,000, 1.25 लाख, और उधर भी एडवांस में पे करना पड़ता है। तो ध्यान में रखेंगे ये कंडीशन हमारे ऊपर नहीं आनी चाहिए, हमारा एजुकेशन कैसा हो जाना। और मेडिकल वालों की तो कोई देखने की बात ही नहीं यार, मेडिकल वालों की तो 10 लाख 15 लाख एडवांस में पे करना पड़ता है, एडवांस में पूरा, ठीक है, 10 लाख 15 लाख 25 लाख, ठीक है, ऐसे भरने पड़ते हैं। तो इसीलिए या सगळ्या गोष्टी महत्त्वाच्या आहे, बघा आजच्या डेटला जर तुम्ही चांगले सीरियसली त्याला कराल तो उद्या चालून तुमचे लाखाने का करोडाने पैसे वाचेल, नाहीतर मग आहेच, ठीक है, बघा इकडे। तो दिस इज द अल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है। मेरे बैच में 2 बच्चे भी रहे तो चलेगा मेरे को, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, लेकिन जो भी रहेंगे वो सीरियसली देख के बैठ के आंसर देने वाले और समझ के लेने वाले चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा तो आपकी कितनी है, कितनी पढ़ाई हो गई है, 2 साल में पता चल जाएंगी, ठीक है, ध्यान में रखना है। सो वी हैव, दिस इज द कंपाउंड, दिस इज द एल्डिहाइड, क्लियर है, कौन सा कंपाउंड नहीं है, एल्डिहाइड, ठीक है। सो एल्डिहाइड है, चलो सांग भाव इस 4 रिएजेंट फास्ट पर कौन सा, बंद करते बुक पाउनों को, बंद कर, क्यों बंद कर रहे, आसान संग प्रथमेश, ग्रिग्नाश रिएजेंट, आई वॉन्ट टू प्रिपेयर द प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है,
एक वर्षानंतर आता पांच मिनिटात शिकवली जे अगोदर दहा वेळा रिएक्शन शिकवली ते आता पांच मिनिट शिकवली तरी आपल्या डोक्यात नाही आहे. एक्झाम द्यायला चाललो आपण असे डोके जागेवर आणा. अजून वेळ गेली अजूनही गेली नाही अजूनही आहे. एक मिनिट नाही झाला शिकून आता बताव रे. पहले आई टेक इट इज द अनसैचुरेटेड. क्या लिया? अनसैचुरेटेड. दिस इज द अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड. ठीक है. दिस इज द व्हिच एल्डिहाइड? अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड. इफ आई वॉन्ट टू कन्वर्ट दिस अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड इन टू अनसैचुरेटेड प्राइमरी अल्कोहोल. ठीक है. अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड का कन्वर्शन अनसैचुरेटेड प्राइमरी अल्कोहल में करना है तो पहला रिएजेंट कौन सा रिएजेंट है? LiLH4 इन द प्रेजेंस ऑफ H3O पॉजिटिव. ठीक है. वंस मोर पहला रिएजेंट क्या है? LiLH4 इन द प्रेजेंस ऑफ H3O पॉजिटिव और मधे डायबाल एच. कौन सा रिएजेंट है? डायबाल एच. एक लक्षात ठेवा चांगल्या इन्स्टिट्यूट मध्ये जाल गव्हर्नमेंट इन्स्टिट्यूट मध्ये जाल फुकट मध्ये लागाल तर तिथून निघाल्यावर काहीतरी तुमची कमवण्याची काहीतरी काय राहील काय राहील माहिती आहे तुम्हाला. ठीक आहे. आणि प्रायव्हेट इन्स्टिट्यूट मध्ये जाण लाखाने पैसा भरान तिथे हेच चालन. हा पोराला फीस दिली पाहिजे. हा चला पोराला रागवायचं नाही पोराला काही म्हणायचं नाही. पहिले पूर्ण चार वर्ष फीस झाली त्याच्या बाद तुम्हाला काही यो या ना यो निघाले तसेच. कंपनी मध्ये जाणार तिथे तुम्हाला पैसे घ्यायला नाही सॉरी पैसे द्यायला नाही पैसे. कंपनी मध्ये जॉब करायला गेल्यावर काय कशाला जात पैसे द्यायला जाण का घ्यायला जाण? घ्यायला जाण ना. हा तिथे चेक करेन तो नॉलेज बरोबर. म्हणून लक्षात ठेवा काय करा आतापासून सिरियस व्हा. अजून हातातली वेळ गेलेली नाही. लेक्चर करून काही फायदा नाही करत बरोबर. सिलेबस झाला आहे कम्प्लीट. हे कशासाठी शिकून राहिलो की हे तुमच्या डोक्यात तुम्हाला आलं पाहिजे. मला येऊन काय फायदा नाही. मला येऊन काय फायदा आहे? ठीक आहे. तुम्हाला आलं पाहिजे सगळे पाच मिनिटात रिवाईज झालं पाहिजे तुमचं. तुम्हाला दोन गोष्टी इथे सांगत बसलं तर मग ते पाच मिनिटात होईल का रिवाईज? सिरियसनेस तुमच्यामध्ये पाहिजे लक्षात ठेवा. आई वडिलांचे पैसे एवढे इझिली नाही आहेत. खूप तांतून करून पैसे येतात. त्या पैशाची काहीतरी काय करा किंमत करा. कळलं? बघा इकडे डायबालेज काय मिळेल आपल्याला? अनसॅच्युरेटेड प्रायमरी अल्कोहोल. काय? अनसॅच्युरेटेड प्रायमरी अल्कोहोल. दुसरा वाला जर आपल्याला काय बनवायचं आहे सॅच्युरेटेड प्रायमरी अल्कोहोल. कोणचा अल्कोहोल? सॅच्युरेटेड प्रायमरी अल्कोहोल. तो सॅच्युरेटेड एक गोष्ट दहा दहा वेळा रिवाइज करून जर आठवत नसेल तर काय करायचं अजून? ठीक आहे. सॅच्युरेटेड प्रायमरी अल्कोहोल. तो सॅच्युरेटेड प्रायमरी अल्कोहोल पहिला आहे. अनसॅच्युरेटेड एल्डिहाइड पासून आपल्याला काय मिळाला? अनसॅच्युरेटेड. सॅच्युरेटेड साठी दोन रिएजंट पास टू नासेंट हायड्रोजन इन द प्रेझेन्स ऑफ NaGH2O. दुसरा रिएजंट पास बरोबर वन्स मोर कोणती गॅस? H2 gas in the presence of Raney nickel at 413 Kelvin. बरोबर. किती रिएजंट झाले? चार. बरोबर. हे झाले चार रिएजंट. ठीक आहे. त्याच्यानंतर याच्यामध्ये आपल्याला कोणता रिएजंट टाकायचा आहे? ग्रिग्नार्ड्स रिएजंट. ठीक आहे. फॉर्मल डिहाइड काय बनवते? प्रायमरी अल्कोहोल. ठीक आहे. अदर अल्डिहाइड काय बनवते? सेकंडरी अल्कोहोल. आणि किटोन काय बनवते? टर्शरी अल्कोहोल. किटोन काय बनवते? टर्शरी अल्कोहोल. ह्या किती झाल्या? तीन. त्याच्यानंतर कार्बोक्झिलिक ऍसिड. कार्बोक्झिलिक ऍसिड मध्ये किती रिएजंट टाकू शकतो आपण? दोन. एक कोणता टाकला? LiLH4 इन द प्रेझेन्स ऑफ H3O पॉझिटिव्ह. दुसरा काय टाकला? B2H6 इन द प्रेझेन्स ऑफ THF. दोन रिएजंट काय करेल?
इट कन्वर्ट इट इनटू व्हिच अल्कोहोल प्राइमरी अल्कोहोल तसाच अपनी ह्या दोन रिएक्शन झाल्या अजून इस्टर सोबत जर आपण रिएक्शन केली तो आफ्टर मेकिंग द रिएक्शन विथ इस्टर पहिला रिएजंट काय टाकायचा LiNH4 इन द प्रेजेंस ऑफ H3O पॉझिटिव्ह आणि दुसरा रिएजंट कोणता टाकायचा H2 गॅस इन प्रेजेंस ऑफ रॅनी निकेल अँड 413 केल्विन त्याने बनवला RCH2OH प्लस R-OH दिस इज द व्हिच अल्कोहोल प्रायमरी अल्कोहोल कोणता अल्कोहोल प्रायमरी अल्कोहोल ठीक आहे बघा मी आत्ताच्या आत्ता 3 ते 4 वेळा या रिएक्शन लिहून दिल्या बरोबर यालाच बस खूप झाला आता मदत ब्रेक नसता 5 ते 7 मिनिटात रिएक्शन लिहून झाले पाहिजे लिहून लिहून प्रॅक्टिस करायची लक्षात ठेवा लिहून लिहून प्रॅक्टिस करायची ऑर्गॅनिक बोबलने शिवा देणे कोणाला निगेटिव्ह बोलणे हे पूर्ण जगाला जमत याच्यात काही दिमाग लागत नाही काय बाबा शिकवलंच नाही केलंच नाही झालंच नाही समजतच नाही हे सगळ्यांना करता येते परंतु त्याच्यावर मात करून अभ्यास करणे अभ्यास करून रिझल्ट आणून देखणे दाखवणे हे कोणालाही जमत नाही खूप कमी जणांना जमत बरोबर म्हणून हे मी मेथड सांगतोय कसं करायचं त्याला वारंवार रिवाइज करायचं ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री आहे ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री बडी बेवफा रात को पडी सुबह सफा सुबह पडी रात में सफा ठीक आहे यू हॅव टेकन द एक्सपिरियन्स ऑफ इट्स बेवफाई ठीक आहे अरे बरोबर ना घेतला असेल ना एक्सपिरियन्स काही जणांचं 1 मिनिटात सफा किती मिनिटात 1 मिनिटात सफा आत्ताच पडली आत्ताच सफा कळलं म्हणून तिच्या बेवफाईचा तुम्ही एक्सपिरियन्स खूप चांगला घेतलाय म्हणून तिच्याच विषयी विचार करायचा तिच्याच गोष्टी करायच्या तिलाच आठवायचं बरोबर सध्या आता हेच चालू द्यायचं काही दिवस तिला सोडायचं नाही तिची वारंवार काय करायची रिव्हिजन कोणाची ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीची कळलं हा म्हणून आहे खूप चांगली खूपच परवडते फिजिकल पेक्षा तर खूपच परवडते बस कंडिशन आहे मोजून एवढ्या रिएक्शन आहे एका असे हिशोबच लक्षात ठेवायचे किती रिएक्शन झाल्या 18 हे किती 4 आणि 4 किती झाले 8 8 आणि 6 14 14 आणि 4 18 18 म्हटलं तर 18 पूर्ण हिशोब लिहिता आलं पाहिजे ओरली रिकॉल झाल्या पाहिजे तर दिस इज द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ दिस इज द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहोल आफ्टर डिस्कसिंग दिस डिफरंट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहोल वी डिस्कस हियर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहोल देर आर द सेवरल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहोल तो आपण सर्वात पहिली इथे डिस्कस करणार आहे अल्कोहोल तो काय अल्कोहोलचा फॉर्म्युला आहे ROH ROH हा कोण आहे अल्कोहोल आणि या अल्कोहोल मध्ये जर काय केलं जाईल हा अल्कोहोल आहे ठीक आहे सो दिस इज द ROH दिस ROH इज द व्हिच अल्कोहोल प्रायमरी अल्कोहोल व्हॉट एव्हर द अल्कोहोल आता अल्कोहोल मध्ये तुम्ही कोणते रिएजंट टाकता याच्यावर डिपेंड करते तुम्हाला कोणते प्रोडक्ट मिळते त्याला म्हणतो आपण केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहोल सर्वात पहिले आपण इथे साधे रिएजंट टाकू पहिले आपण ऍक्शन करू हॅलाइड्सची अल्कोहोल वर जर आपण PCl3 ची ऍक्शन केली कशाची PCl3 आपण डायरेक्ट PCl3 ची ऍक्शन करत नाही कोणाची ऍक्शन करतो PH3 PH3 मध्ये पण किती आहे 3 पहिला कोण रेड फॉस्फरस प्लस Cl2 हा ऍक्शन कशाची करतो PCl3 सिंपल OH निकालना है Cl लगाना है क्या कॉन्सेप्ट OH निकालना है Cl लगाना है तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा बच्चों RCl अगर हम यहाँ पे क्या ऐड करेंगे रेड फॉस्फरस प्लस Br2 काय बनेल हा PBr3 इथे काय करायचं आहे OH निकालना है Br लगाना है ठीक है ध्यान रखेंगे वंस मोर क्या निकालना है OH निकालना है Br लगाना है और अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे रेड फॉस्फरस प्लस I2 तो ये क्या की रिएक्शन होगी Pi3 तो यहाँ पे OH निकालना है I लगाना है तो ये कितनी रिएक्शन हो गई 3 रिएक्शन
ठीक है. सो इन दिस ऑल दिस थ्री रिएक्शंस OH इज रिप्लेस बाय समटाइम Cl, समटाइम Br, तो समटाइम I. डू यू अंडरस्टैंड किसके लिए किसका यूज करना ध्यान रखना है. नेक्स्ट रिएजेंट इज अ PCl5. PCl5 जब डिकम्पोज होता है तो वो बनाता है PCl3 प्लस 2Cl. अब ये 2Cl जो है, ठीक है, ये 2Cl में से एक Cl R को लगता है और एक Cl H. ध्यान में रखना PCl5 डिकम्पोज टू फॉर्म PCl3 प्लस 2Cl. बट ये 2Cl में से एक Cl किसको लगता है R और एक Cl किसको लगता है H. तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, पहला RCl, दूसरा HCl, फिर पीछे बचा को ऑक्सीजन, वो किसको लगता है फॉस्फरस को, और फॉस्फरस को लगने के बाद वो बनाता है POCl3 और इसका नाम है फॉस्फोरिल क्लोराइड. ठीक है, इसी तरह जब हम इसकी रिएक्शन करते हैं किसके साथ, SOCl2 के साथ, इसका नाम है कौन सा क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड. थायोनिल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, और क्या है इसको क्या करना पड़ता है, रिफ्लक्स. रिएक्शन का नाम है डार्जन्स रिएक्शन. क्या नाम है रिएक्शन का, डार्जन्स रिएक्शन. ध्यान में रखेंगे कौन सी रिएक्शन है, ये डार्जन्स रिएक्शन. और इस डार्जन्स रिएक्शन में वही होता है जो ऊपर हुआ, ये दो Cl जो है, एक Cl लगता है R को और एक Cl लगता है H को. तो पहली स्टेप में प्रोडक्ट मिलता है RCl प्लस HCl प्लस यहां से क्या निकला, ऑक्सीजन, तो इसको लगता है और वो रिलीज करता है कौन सी गैस, SO2 गैस, और हीट होने की वजह से HCl भी उठ जाता है और इसीलिए ये दोनों इजीली वहां से छोड़ के चले जाते हैं और हमें सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मिलता है. क्या नाम है उसका, एल्किल क्लोराइड. क्या नाम है उसका, एल्किल क्लोराइड. डू यू अंडरस्टैंड क्या नाम है उसका, एल्किल क्लोराइड. सो वी आर गेटिंग दिस कंपाउंड, द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज अ विच क्लोराइड, एल्किल क्लोराइड. तो ये पिरिडीन है और पिरिडीन को जब हम क्या करेंगे, रिफ्लक्स. सो वी आर गेटिंग दिस कंपाउंड, सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड फॉर्म इज अ विच क्लोराइड, एल्किल क्लोराइड. ठीक है, तो ये है बच्चों अल्कोहल. अल्कोहल की रिएक्शन जब हम PH3 के साथ करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस प्लस Cl2, फर्स्ट स्टेप में वो बनाएंगे RCl, फिर RBr, फिर RI. PCl5 की रिएक्शन की RCl प्लस HCl प्लस POCl3. ठीक है, SOCl2 पिरिडीन रिफ्लक्स, थायोनिल क्लोराइड, यू गेट द विच क्लोराइड, एल्किल क्लोराइड. तो कितनी रिएक्शन हो गई, ये हो गई कितनी, तीन, और ये हो गई एक, और ये हो गई एक, तो टोटल कितनी हो गई, पांच. ठीक है, तो ये पांच रिएक्शंस है जिसमें हम फॉस्फोरस हैलाइड और सल्फर हैलाइड का इस्तेमाल करके इससे हम क्या बना सकते हैं, एल्किल हैलाइड. ठीक है, ये पांचों की पांचों भी रिएक्शंस आपको रिवाइज होंगी HDA में, क्या में, HDA, हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्किल. ठीक है, सो अब इसी तरह की रिएक्शन है अल्कोहल. अल्कोहल हमारे पास तीन टाइप के अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल. प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और कौन सा अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल. और इसमें हम एक रिएजेंट डालेंगे, क्या डालेंगे रिएजेंट, HCl इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस ZnCl2. रिएजेंट का नाम है लुकास रिएजेंट. कौन सा रिएजेंट, लुकास रिएजेंट. ठीक है, लुकास रिएजेंट OH निकालता है, Cl लगाता है. ध्यान रखेंगे वंस मोर, कौन सा रिएजेंट, लुकास रिएजेंट क्या करता है, OH निकालता है, Cl लगाता है. ठीक है, और हमें पता है यहाँ पे OH निकलेगा तो OC बॉन्ड टूटेगा और OC में कौन सा कार्बोकैटायन मोर स्टेबल है, टर्शियरी कार्बोकैटायन. विच कार्बोकैटायन, टर्शियरी कार्बोकैटायन. और इसीलिए इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होती है OC बॉन्ड ब्रेक करने में, टर्शियरी अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी अल्कोहल. रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी अल्कोहल. सो दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल.
So, what is the decreasing order of reactivity of alcohol? Tertiary alcohol is more reactive than secondary alcohol, is more reactive than primary alcohol. Do you understand? So, this is the decreasing order of reactivity of alcohol. So, what is the decreasing order of reactivity of alcohol once more? Tertiary alcohol is more reactive than secondary alcohol, is more reactive than primary alcohol. Clear hai? So, tertiary alcohol ki reactivity sabse jyada hai, secondary ki usse kam hai, aur primary ki sabse kam hai. Aur isiliye, jo primary alcohol hota hai, usme kya hoti hai? Turbidity? 10 minutes ke baad, kya ho jati hai? Appear ki disappear? Disappear. ठीक है तो यहाँ पे हम लिख देंगे turbidity disappear. इसको चेक कर लेते जाना एक बार. ठीक है turbidity disappear after how much minutes? 10 minutes. इधर कितना minutes? 5 minutes. और इधर कितना minute? Quickly. कौन सा reagent? Lucas reagent. कौन सा reagent? Lucas reagent. तीनों का प्रोडक्ट क्या है? RCl. तो लुकास रिएजेंट की कितनी रिएक्शन ध्यान में रखेंगे? 3. बराबर. अब इसके साथ साथ अगर हमें यहाँ पे क्या करना है, अगर अल्कोहल का OH निकाल के अगर हमें Br लगाना है तो यू हैव टू यूज द रिएजेंट NaBr प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4. क्या प्रोवाइड करेगा? HBr. यहां से निकलेगा OH, यहां से निकलेगा H, मिलके निकलेगा H2O एंड यू गेट द RBr प्लस H2O. और HI की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा रहती है तो इसीलिए ROH में अगर हम क्या डालते हैं? HI. तो इसकी रिएक्शन कैसी होती? इसकी होती क्या रिवर्सिबल? नहीं होती ना. अच्छा जस्ट क्या करना पड़ता है? थोड़ा सा हीट. हाँ H3PO4 के प्रेजेंस में हम इसको ट्रीट करते हैं तो प्रोडक्ट मिलता है RI प्लस H2O. तो वो ये एक रिएक्शन है. ठीक है ये दो रिएक्शंस और एडिशनल. अब हम देखेंगे अल्कीन. अल्कोहल को जब हम हीट करते हैं, तो अभी हमने देखा कि अल्कोहल को हीट करने के बाद, कौन सा रूल लगता है? सेट जाप्स रूल. हाइड्रोजन देखो ये ओसी बॉन्ड तो टूटता है और ओसी बॉन्ड तोड़ने में किसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है? व्हिच वन इज मोर रिएक्टिव इन ब्रेकिंग द ओसी बॉन्ड? टर्शरी. प्रतीक सर वीडियो बरोबर येत आहे ना? वीडियो जर चुकीचा झाला ना तुम्ही शिकव जा आणि वीडियो रेकॉर्ड कर जा. ठीक आहे. हा आपण इथे मोबाईल पास येते बसतोय का बघ. हा तो कोणसा अल्कोहोल? टर्शरी अल्कोहोल. कोणसा अल्कोहोल? टर्शरी अल्कोहोल. डू यू अंडरस्टैंड? तो ध्यान रखेंगे बच्चों कौन सा अल्कोहल? टर्शरी अल्कोहल. तो दिस नॉट टर्शरी अल्कोहल. टर्शरी अल्कोहल जो है वहां का जो ओसी बॉन्ड टूटेगा आफ्टर ब्रेकिंग दिस विच बॉन्ड? ओसी बॉन्ड. यू गेट दिस कार्बन. आई वांट टू नो विच कार्बन इट इज, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी? सेकेंडरी नो डाउट. बट यहाँ पे अगर CH3 लगाओ तो इट विल बी अ टर्शरी. और ओसी बॉन्ड टूटने के बाद कौन सा कार्बोकैटायन फॉर्म होगा? टर्शरी. सेकेंडरी है तो सेकेंडरी, प्राइमरी है तो प्राइमरी. कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है? टर्शरी. और इसीलिए इसकी भी किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है? टर्शरी. उससे काम सेकेंडरी, उससे काम प्राइमरी. तो दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर विच विच अल्कोहल? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. तो इसीलिए टर्शरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा और प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी सबसे कम. सेकेंडरी की उससे ज्यादा और टर्शरी की सबसे ज्यादा. और इसीलिए कौन से अल्कोहल में? प्राइमरी अल्कोहल में हम जो रिएजेंट यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं रिएजेंट? 95% H2SO4 at 443 केल्विन.
बराबर सेकेंडरी अल्कोहल है तो 60% H2SO4 एंड 363 केल्विन, और टर्शियरी अल्कोहल है तो 20% H2SO4 एंड 363 केल्विन, ठीक है। और यहाँ पे जो सारे स्टेप में जो अल्कोहल मिलता है वो कौन सा अल्कोहल मिलता है, कौन से रूल से, सेजाब्स रूल, कौन सा रूल, सेजाब्स रूल। क्या कहता है सेजाब्स रूल, हाइड्रोजन शुड इलिमिनेट फ्रॉम दैट एडजेसेंट कार्बन व्हिच कैरी लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसको कितने हाइड्रोजन है, 3, और इसको कितने है, 2। तो हाइड्रोजन शुड इलिमिनेट फ्रॉम दैट एडजेसेंट कार्बन व्हिच कैरी लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसको 3 है लेकिन इसको कितने है, 2। यहां से निकला OH, यहां से निकला H, मिलकर निकला H2O, और इसीलिए यहां पे प्रोडक्ट मिला है CH3CH, बराबर। फिर यहां पे फॉर्म हुआ डबल बॉन्ड, ये CH और यहां पे CH3 प्लस देयर इज रिमूवल ऑफ H2O एंड इन दिस वे यू गेट दिस प्रोडक्ट। द नेम ऑफ द प्रोडक्ट इज ब्यूटूइन। क्या नाम है प्रोडक्ट का, ब्यूटूइन। यू विल गेट दिस मेजर प्रोडक्ट। प्राइमरी अल्कोहल अगर रहा तो प्राइमरी अल्कोहल में तो यार सब प्राइमरी ही रहता है, ठीक है। तो इसके दो एग्जांपल प्राइमरी अल्कोहल का, ये देखो ये है CH3, ये CH2OH, अब इसको भी मैं CH2 कर देता हूं और इसको H, तो यहां पे क्या होगा, यहां से निकलेगा H, यहां से निकलेगा OH, मिलके क्या निकलेगा H2O, एंड यू कैन गेट हियर दैट इज व्हाट, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस यू आर गेटिंग व्हाट, H2O। फॉलो, सो इन दिस वे यू कैन गेट दिस प्रोडक्ट, यू आर गेटिंग दिस कंपाउंड। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज इथीन प्लस देयर इज रिमूवल ऑफ H2O। अब यहां पे अगर हम देखेंगे तो टर्शियरी अल्कोहल में, टर्शियरी अल्कोहल में क्या होता है, यहां पे भी वही होता है जो सब जगह होता है, ठीक है। बताओ अभी कहां से हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है, फर्स्ट से, सेकंड से कि थर्ड से, फर्स्ट से, सेकंड से कि थर्ड से, सेकंड से, क्योंकि इसको 3 है, इसको 3 है, इसको 2। सो व्हाट प्रोडक्ट यू गेट, CH3CCH3, यहां पे डबल बॉन्ड CH और यहां पे CH3, 1, 2, 3, 4, सो यू गेट दिस कंपाउंड 2-methyl-butyl-ethene। क्या नाम है कंपाउंड का, 2-methyl-butyl-ethene, so we are getting this compound, its name is 2-methyl-butyl-ethene। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये कितनी रिएक्शन से अल्किन बनाने वाली, 3, ठीक है। तो लगाओ हिसाब, ठीक है, अभी सारे का हल को लिए अभी रिएजेंट ध्यान में रखने पड़ेंगे। PH3 की कितनी, 3, PCl 5, SOCl 2, SOCl 2, 1, 1, हाँ। अब इसके बाद HX की कितनी, 3, पहली क्या है HCl, HCl की अकेले की 3, फिर HBr की 1, HI की 1, उसके बाद रिएजेंट, एक बार ध्यान में रखना फॉस्फोरस हैलाइड, और एक बार ये, और एक बार ध्यान में रखना डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में 3 रिएजेंट है, कितनी रिएक्शन, 3, H2SO4 इन द एंड हीट। तो अभी हम देखेंगे 3 और 3 6 और 3 9 9 और 3 12 12 और 1 13। अब हम और आगे की रिएक्शन यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। सो दिस इज द व्हाट, कौन सी रिएक्शन हो गई, डिहाइड्रेशन रिएक्शन, ठीक है। आज के लिए रहने देते, अभी हमारे पास और उसका ऑक्सीडेशन बाकी है। क्या बाकी है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। टोटल 28 रिएक्शन है, कितनी रिएक्शन है, 28 ऑक्सीडेशन की, मतलब एसीपी टोटल 28 है, ठीक है। 28 और मॉक कितनी थी, 18, ठीक है। 28 प्लस 18 कितना हो गया, 46, ठीक है, 46 की 36, ठीक है। तो वो सारी कौन होगी, अल्कोहल। बस ऐसे 15 मिनट में 46 हो जाना चाहिए।
ठीक है, मैं खुद लिखा के दूंगा, सिर्फ मेरे को डिस्टर्ब मत करना बीच में, ठीक है। तो 15 मिनट में पूरी 46, ठीक है। सो ठीक है, रिमेनिंग वी डिस्कस टुमारो, या उदय।